हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एग्जाम अकेडमी के इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई अपडेट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं तो यहाँ पर आज हम तकरीबन 100 से ज़्यादा सीटों पर बात करेंगे जहाँ पर पीएचडी एडमिशन से संबंधित नोटिफिकेशन पब्लिश किए गए हैं यहाँ 2024-25 का जो एडमिशन सेसन है इससे संबंधित नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रायोगिकीय संस्थान जो कि भोपाल में स्टैब्लिश है भारत सरकार के स्व शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है जहां से ये रिक्रूटमेंट मांगा गया है इसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रन एंड मैनेज किया जाता है तो इसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलते रहे यहां पर सबसे पहले आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करें यहां पर सबसे पहले आप लोग गूगल पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट एम ए एन आई टी डॉट ए सी डॉट इन और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है इसका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को डाउनलोड करने को मिल जाएगा तो यहाँ सबसे पहले हम इनका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसे देख लेते हैं पच्चीस नवम्बर दो को इनका लास्ट डेट रखा गया है आवेदन करने का साथ ही साथ जो रिटेन एग्ज़ाम है और उसका जो इं, इंटरव्यू लिया जाएगा वो सत्रह दिसंबर दो हज़ार चौबीस को लिया जाएगा यहाँ पर जो आ, फेलोसिप क्वालिफाई हैं जो जे हैं उनका इंटरव्यू है साथ ही साथ जो पार्ट टाइम पी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर उन्नीस दिसंबर दो का डेट रखा गया है। इस डेट में आपका इंटरव्यू कराया जाएगा रिजल्ट जो जिस दिन निकलेगा उसमें आपको रिजल्ट रिजल्ट की जो रिजल्ट करने का जो डेट है वो यहाँ पर तेईस दिसंबर 2024 का डेट है और एडमिशन फीस जो आप लोगों को पे करना होगा वो एक जनवरी 2025 में पे करना होगा और इसके बाद आप लोगों का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट हैं जो 104 सीटों पर जिसका आवेदन मांगा जा रहा है इसमें आप लोगों के पास नेट क्वालिफाई आप हों आपने जे आर क्वालिफाई किया हुआ हो या फिर आपके सर्ट या फिर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया हो और आपके सर्टिफिकेट पर एलिजिबल टू पी एच डी लिख कर आई हो तो आप तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट से पी एच डी के लिए एडमिशन मांगे जा रहे हैं उसमें आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से रिक्रूटमेंट मांगा गया है बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन मांगा गया है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एप्लीकेशन मांगे गए हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से आवेदन मांगे गए हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट से आवेदन मांगे गए हैं केमिकल इंजीनियरिंग से आवेदन मांगे गए हैं केमिस्ट्री से मांगे गए हैं सिविल इंजीनियरिंग से मांगे गए हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से आवेदन मांगे गए हैं इसके बाद एनर्जी सेंटर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमिनिटीज एंड सोशल साइंस से अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट स्टडीज मटेरियल एंड मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर से यहाँ पर आपको आवेदन मांगे गए हैं साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स डिपार्टमेंट से आप अपना पी का जो अपलिकेशन फॉर्म है उसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं हर एक स्ट्रीम का यहाँ पर अलग क्वालिफिकेशन है बेसिक क्वालिफिकेशन बैचलर और मास्टर सिक्सटी मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना ज़रूरी है साथ ही साथ आपने जो जो नेट का स्कोर है वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा आप गेट क्वालिफाई हो तो यहाँ पर आप लोगों से आवेदन करने के लिए आपको इनवाइट किया गया है और उसके बाद यहाँ हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कैटेगरीज मेंशन है आप अपना क्वालिफिकेशन यहाँ से देख लें उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें सीटों की संख्या भी यहाँ मेंशन है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए सात सीटें हैं बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एक सीट है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छः सीटें हैं उसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में छः सीटें हैं एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट में छः सीटें हैं केमिकल इंजीनियरिंग में सात सीट है केमिस्ट्री में यहाँ पर चार सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में सोलह सीटें हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में छः सीटें हैं इनर्जी सेंटर में पाँच सीटें हैं इलेक्ट्रिकल Elect इंजीनियरिंग में नौ सीटें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में नौ सीटें हैं मटेरियल एंड मेटा इंजीनियरिंग में पाँच सीटों पर आवेदन मांगा गया है मैथमेटिक्स एंड बायो इनफार्मेटिक्स में यहाँ पर छः सीटें हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आठ और फिजिक्स में सात सीटें हैं कुल टोटल यहाँ पर 104 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं जिसमें कुल टोटल आप देख सकते हैं सतहत्तर सीटें हैं जिस पर आवेदन निकल कर आया हुआ है तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं लास्ट डेट से पहले आवेदन कर लें इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच